कि क्या सुधांशु जी फिर मतलब बीजेपी ने इस एनडीए सरकार के जरिए अपने लिए कांटों का ताज चुन लिया है क्या सर? ये कांटों का ताज है? देखिए, बहुत विचित्र तर्क है कि जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है 294 वो तो बैसाखियों वाली सरकार है और 99 वाली पार्टी जो है वो बैसाखियों पे नहीं खड़ी है, वो तो आसमान में खड़ी हुई है। अद्भुत व्याख्या हो रही है जनादेश की। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि इनमें से 232 जो सीटें थी, आप कह रहे हैं कि ये छिटक जाएंगे, आपका एक गठबंधन सहयोगी तो चला गया, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कांग्रेस से गठबंधन खत्म, और अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। तो कम से कम आम आदमी पार्टी और उसकी जुड़ी हुई 13 सीटें तो हटा दीजिए ना, उसको तो माइनस कर दीजिए, और 75 जगहों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, 13 सीटें पंजाब की, 42 सीटें बंगाल की और 20 सीटें केरल की, इसमें 60 सीटें जीती है एक दूसरे के खिलाफ। और अभी जब प्रियंका जी का वायनाड से लड़ने का बात हुई तो एनी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर है उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हमसे कांग्रेस ने कोई कंसल्टेशन नहीं किया, मुस्लिम लीग से कंसल्टेशन किया। अरे भाई, इतने थे, 2 सीटें थी, एक सहयोगी दल को दे देते ना, वो तो परिवार के पास रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अगर ईमानदारी है तो 232 में 60 सीटें घटानी चाहिए, तो इनकी केवल 172 सीटें आती हैं, वो ईमानदारी की बात है। और आज भी ईमानदारी थी, 2 सीटों में से एक सहयोगी दल को दे देते। ठीक है, आइए सुप्रिया जी। रोमाना जी, मैं दो ही बातें कहना चाहती हूं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि हम बैसाखी कहते तो फिर क्या हम लोग भी बैसाखी है? नहीं, हम लोग घटक दलों को अपने समकक्ष मानते हैं, अपने से कमतर नहीं मानते हैं। हम सिंहासन पर बैठकर सबको नीचे नहीं बैठाते हैं। आज एनडी अलायंस की बात हो रही है। एनडी अलायंस चुनाव से पहले आखिरी मीटिंग कब हुई थी? एनडी अलायंस की, वही एनडी अलायंस जिसके नाम पर आज कहा जा रहा है ये एनडी अलायंस की सरकार है। एनडी अलायंस की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? हमारे लिए अखिलेश जी भी उतने माननीय है जितने राहुल जी हैं, हमारे लिए स्टालिन जी भी उतने माननीय है जितने लालू जी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि बैसाखी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका तो डीएनए सवाल उठा दिया था, कहा गया था डीएनए खराब है आपका, अब आप फिर भी बेचारे उनके साथ लगे हुए हैं। मेरा एक और मानना है, ये जो बेवकूफी की बातें बीजेपी करती है कि लेफ्ट से, क्यों लेफ्ट से पूछ लेते हैं? केरल में हम और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और ये भारतीय राजनीति की डिमांड है, ये वहां की मांग है और हम लड़ेंगे और हम विपक्ष को और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे। आपसे मैंने सवाल पूछा था, जदयू ने अग्निवीर हटाने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है, उस पर क्या कर रहे हैं? टीडीपी ने पेगासस की जांच कराने की और कोटा अपना आरक्षण लागू करने का प्रबल पुरजोर बोला है, हम करके दिखाएंगे। मोदी जी क्या कहेंगे? मुजरा कर रहे हैं वो लोग, यही शब्द का प्रयोग किया था ना। तो इसलिए बैसाखी कहा जा रहा है क्योंकि आपको कमतर माना जाता है, आपको नगण्य माना जाता था। शिरोमणि अकाली दल के गुजराल जी का मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था 5 साल बीत गए, एक समन्वय बैठक ही नहीं हुई, अब क्योंकि नंबर कम हो गए हैं तो हां जी हां करना पड़ रहा है नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के सामने। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बराबरी के लोग हैं, हम सब समकक्ष हैं, हम एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करते हैं और हम इस देश के संविधान से जुड़े हुए लोग हैं और उस पर बहुत पक रहे हैं। जवाब लेती हूँ, आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए, मतलब जरूरत के यार हैं आप लोग, नंबर इस बार अपने दम पर आया, बहुत इसी वजह से सहयोगियों का सम्मान हो रहा है, वरना पिछले 10 साल में तो कभी देखा नहीं एनडीए में इतना सम्मान सहयोगियों के लिए, ये है लब बोलो बाप जी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा इनकी बैठक होती है, जबरदस्त बैठक होती है कि ममता बनर्जी आने से इनकार कर देती हैं। इन्होंने कहा माननीय अखिलेश जी, अरे इंडिया अलायंस में रहते हुए याद है, सिर्फ 6 महीने पुरानी तो बात है, मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश वखिलेश किसने बोला था? हमने बोला था क्या? अखिलेश जी ने कहा था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, ये गठबंधन में रहते हुए बोला है, और फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि वो चिरकुट पार्टी है, पीपल चिल्लाने लगी, जैसे ही अंतिम बटन फैक्ट आया फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। सुप्रिया जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट फैक्ट होता है। और रही जातिगत जनगणना की बात, तो राहुल गांधी जो बड़ा ऐसे ऐसे करके कह रहे थे, जातिगत सर्वे बिहार में कराया जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है, क्यों नहीं करवा रहे? और अभी आप फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, आ गए आप अपनी असलियत पे। आपने आराम से अपनी पूरी बात रखी, डीएनए वाली बात आपने कह दी, दर्शकों ने सुन ली, अब जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। और सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो अखिलेश जो अभी हाल में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहा गया था, उसका वो जवाब, गलत बात कहेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं नहीं वो जवाब दे रहे हैं, आपको भी उन्होंने सुना डीएनए वाली बात पर, अब आप भी जवाब सुन लीजिए। अरे इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आइए सुधांशु जी, बात क्या करूंगी, ठीक है, चालू पार्टी और चिरकुट पार्टी का वीडियो अवेलेबल है, दे जवाब जातिगत जनगणना पर।
जय जवाब मुस्लिम आरक्षण पर कहीं पर जवाब नहीं दे पाएंगे। असलियत है लोगों को। हाँ मैं जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अरे सुनिए भाई, डिबेट बीच में क्यों जाने से पार्टी में नंबर बढ़ते होंगे, दर्शकों को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता और जेडीयू के नेता के पास चलते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ जरा उनको भी ले आइए स्क्रीन पर। मुझे लगता है आशुतोष जी बेहतर बता पाएंगे अखिलेश वखिलेश और कांग्रेस को लेकर, जो खुद अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था। आप ही याद दिला दीजिए अगर चाहें तो अपनी साथी को, आशुतोष जी ऐसा होता रहता है ना। नहीं देखिए रुमाना जी, वो तो जो हुआ और उनके साथ मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो खुद ही पता है। मुझे तो हैरानी इस बात की है जो इस देश के सर्वोच्च नेता ने कहा था, जब अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के 6 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़ के चली गई थी और कहा था अरे भैया मर जाएंगे वापस नहीं जाएंगे, ये लोग बहुत झुट्टा आदमी है। उधर बोलते नीतीश बाबू खिड़की बंद है अब कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बाद जेडीयू के सांसद चले तो नहीं जाएंगे बीजेपी में कि नीतीश बाबू फिर रह जाएंगे अकेले, क्योंकि 6 के 6 विधायक चले गए थे। सुन लीजिए, राजीव जी को बोलने दीजिए सर, वो ऐसे चिल्ला नहीं पाएंगे। जी जी आइए लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रिया जी को बहुत ज्यादा चिंता है बिहार के डीएनए को लेकर, तो डीएनए प्रकरण में जिन्होंने जो बातें कही मैं याद नहीं दिलाना चाहूंगा, लेकिन बिहार की जनता ने डीएनए पर अपना निर्णय सुना दिया। सही, अब वो बीती बात है। अलायंस पॉलिटिक्स में अगर मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कब कांग्रेस के खिलाफ क्या कहा, बसपा के साथ कब ये अलायंस में रहे कब नहीं रहे, पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल, एक सेकंड, आप एक तो हम लोगों पर इतना कुछ बोलेंगी और जवाब ले। ठीक है सर, समय इतना ही है, माफ कीजिएगा मुझे, एक दूसरे में आप लोग सब बात रखने लगते हैं बारी में और इसी वजह से ये कंफ्यूजन हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपातकाल और संविधान, इसी को लेकर संसद में ये नया घमासान कहां तक जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।